हेलो बच्चों, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिपेंड ऑन टू फैक्टर, नंबर 1 चार्ज एंड नंबर 2 डिस्टेंस। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें सेट करना है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन कैसे होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन कैसे होगी, ये सभी बातें ओवरऑल अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और आराम से सभी बातें आपको अभी तक समझ आई होगी। अब यही बातों को और बेहतर बनाने के लिए कि भाई आपका कंसेप्ट जो है और स्ट्रांग हो, आप अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास में, उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। एक नया टॉपिक भी हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। और कुछ बच्चों ने हमारे पास में डाउट भी भेजे हैं, अगर थोड़ा सा समय हमारे पास में बचता है तो फिर हम डाउट्स को सॉल्व करेंगे, यार समय नहीं बचता है तो फिर हम कल की क्लास में डाउट सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम आपके सामने है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोगों से प्रॉब्लम के अंदर ना पूछा हुआ है। 3 चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4th कॉर्नर। बेटा हमें ये कहा गया है कि एक स्क्वायर है अपने पास में कुछ इस तरीके से। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को एक स्क्वायर दिया गया है कुछ ऐसे कि भैया एक स्क्वायर है अपने पास में कुछ ऐसे, और स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर यानी यहाँ पर चार्ज रखे गए हैं। यहाँ चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज रखा है प्लस क्यू, और यहाँ भी चार्ज रखा है प्लस क्यू। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है इन तीनों की वजह से, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, और ये डिस्टेंस भी हमारे पास में ए है। मतलब मैंने जो ये बात आपको यहाँ क्वेश्चन के अंदर कही गई थी ना बेटा, वो बात मैंने आपके सामने डायग्राम की फॉर्म में यहाँ बना दी है कि एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, और एक चार्ज यहाँ है। ये डिस्टेंस है हमारे पास में ए, ये डिस्टेंस भी है ए, और ये डिस्टेंस भी है ए। इन तीनों की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये हम लोगों को बताना है बेटा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। भाई सबसे पहले आप ये देखो कि ये वाला जो चार्ज है अपना, ये कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू है अपने पास में। जब इस प्लस की वजह से मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, कुछ बच्चों को डाउट भी था डायरेक्शन निकालने में, अपना दिमाग खोल कर देखें और डायरेक्शन को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लें बेटा। जब इस पॉजिटिव की वजह से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये रहा पॉजिटिव और ये रहा पॉइंट हमारे पास में। पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से पॉइंट की तरफ, यानी एरो का साइन हमारा इस तरफ बनेगा। एरो का जो साइन बनेगा वो हमारा इसकी वजह से इस तरफ बनेगा, पॉजिटिव से पॉइंट की तरफ यानी इधर जाते हुए। अब आप देखें बेटा, यहाँ पर भी हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है और हमें इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्शन जाएगी नीचे की तरफ। पॉजिटिव से जब यहाँ निकालेंगे तो डायरेक्शन जाएगी नीचे। अब मैं ये कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। इसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ये वाला एरो, और इसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ये वाला एरो, ये दोनों सेम होंगे। क्यों होंगे सेम? क्योंकि इस केस में चार्ज कितना है क्यू, इस केस में भी चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस कितनी है ए, और यहाँ भी डिस्टेंस कितनी है ए। यानी हम ये कहेंगे कि इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई, और इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई। इन दोनों का काम फिनिश हो गया। अब आते हैं इसकी वजह से। देखो ये है चार्ज हमारे पास में बेटा प्लस क्यू। जब इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन आएगी इधर, और ये रहेगी हमारे पास में ई डैश।
ये रहेगी हमारे पास में ई डैश। हमने इसे ई डैश क्यों कहा है, जरा ध्यान दीजिए, चार्ज तो क्यू है, 400 बिल्कुल क्यू है, 400 ये वाला भी क्यू है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये ए है, ये ए है, और पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस हमारी निकल कर आएगी अंडर रूट 2a। यानी इस केस में चार्ज तो सेम है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है। तो इस पॉइंट पर तीन इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं बेटा, इस पॉजिटिव की वजह से इधर, इस पॉजिटिव की वजह से नीचे की तरफ, और इस पॉजिटिव की वजह से इस तरफ। अब आप देखो ये ई और ये ई एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को बेटा, इन दोनों ई के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ई और ई के बीच में ये पूरा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है बेटा हम लोगों का। जब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो इनका रिजल्टेंट जाएगा यहाँ बीच में। याद करिए, जब दो सेम वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट बीच में जाता है, और रिजल्टेंट की वैल्यू होती है अंडर रूट 2e। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया है हमारे पास में ये, और इसकी डायरेक्शन है सेम। देखो अंडर रूट 2e और e डैश की डायरेक्शन सेम है, सो हम लोग लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू ई प्लस ई डैश। अब आप देखो, देखो दोनों को मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब हम ये देखते हैं कि ई का काम कौन कर रहा है बेटा, इस ई का काम कौन कर रहा है, हम ये देखते हैं ई का काम कौन कर रहा है। इस ई का, ई का मतलब है इसकी वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ई को हम लिख सकते हैं 1/4πε0Q/a² और ई डैश को हम लिख सकते हैं 1/4πε0Q/√2a² इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हमारे पास में टोटल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ना बेटा वो ये आंसर रहेगा हमारे पास में। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो और कॉमन लेकर आप बाहर लिख सकते हो, भाई q कॉमन आ जाएगा, 4πε0 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास में अंडर रूट 2 और यहाँ बचेगा हमारे पास में 1/2 कॉमन आकर ये रिजल्ट बचेगा हमारे पास में। क्या तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला आपके सामने है, इस पॉजिटिव की वजह से नीचे की तरफ, इस पॉजिटिव की वजह से इस तरफ, दोनों की वैल्यू रहेगी सेम क्योंकि दोनों के केस में चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इन दोनों का रिजल्टेंट चला गया बीच में और वो कहलाएगा अंडर रूट 2e, इसका रिजल्टेंट जाएगा इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों को ऐड हमने कर दिया है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में रहेगा इतना। e की वैल्यू है बेटा हमारे पास में इतनी और e डैश की वैल्यू है ये, क्योंकि e डैश का मतलब है इसकी वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये चार्ज चाहिए होगा e डैश निकालने के लिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस चाहिए होगी, और e निकालने के लिए ये चार्ज या ये वाला चार्ज और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगी बेटा। आप जल्दी से नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कुछ इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो अंडर रूट 2 का मतलब तो आ गया है 1.4, 1/2 का मतलब आ गया है 0.5, ये हो गया 1.4 और ये 0.5, 1.4 और 0.5 को ऐड करोगे तो 1.9, वही आंसर आप लोगों का बन जाएगा। तो क्या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों आंसर आप लोगों के करेक्ट हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया हो, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो फिजिक्स के अंदर ना यार, मतलब बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर
इतने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इतने सारे क्वेश्चंस करने की? तो मैं कहूँगा भैया, फिजिक्स ना तो हिंदी है, ना कोई लिटरेचर वाला सब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश है या कुछ और चीज़ है। यहाँ तो सारा खेल ही क्वेश्चंस का है यार, सारा खेल क्वेश्चंस का है। डेरिवेशन या क्वेश्चन, डेरिवेशन या क्वेश्चन, थ्योरी तो बहुत ही कम है, और वो भी सेकंड बुक के अंदर है जाकर। फर्स्ट बुक में तो बहुत कम थ्योरी आप लोगों को मिलेगी। तो बस लगे रहो और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहो। उम्मीद करूँगा कि एक एक चीज़ आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती जाएगी। दूसरी बात ये, मैं कोई भी क्वेश्चन, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम आप लोगों के ऊपर नहीं छोड़ रहा हूँ बेटा। मैं हर एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद से कराकर चल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराकर चल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए ईमानदारी से लगे रहो, अपना होमवर्क हम लोगों को भेजते रहो और सही तरीके से काम करते रहो। जो आप लोगों को क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, उन्हें रिपीट एक बार ज़रूर करो, क्योंकि रिपीट करने से आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन असल में हो कैसे रहा है। ठीक है, आइए अब इस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग आते हैं बेटा, और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए बेटा, हम लोगों को क्वेश्चन ये दे रखा है कि फोर चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट द फोर कॉर्नर ए बी सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हमें स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसके डायग्राम को बनाने की। देखिए, हमने सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया बेटा आपके सामने। ये हो गया हमारे पास में स्क्वायर। अब उसने हमें ये कहा कि भाई यहाँ का जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, यहाँ का चार्ज भी है हमारे पास में प्लस क्यू, यहाँ का चार्ज है हमारे पास में माइनस क्यू, और यहाँ का चार्ज भी है हमारे पास में माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखिएगा बेटा, ये वर्ड हम लोगों को कहा गया है रेस्पेक्टिवली, यानी यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये भी माइनस क्यू है। इसकी जो साइड हम लोगों को दी गई है वो है स्मॉल ए। ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है और ये भी स्मॉल ए है। हमें यहाँ इसके सेंटर पर बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा। हमें स्क्वायर के सेंटर पर यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है स्क्वायर के सेंटर पर। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे अभी तक। ये जो मैंने प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़कर आपके सामने डायग्राम बनाया है, उम्मीद करता हूँ कि डायग्राम कैसे बना है इसकी लैंग्वेज आप लोग समझ चुके होंगे। अब आपको सेंटर पे निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जरा ध्यान से, एक बात बताओ आप मुझे, यह है प्लस और यह है माइनस, हमने इन दोनों लाइन को यहाँ मिला दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब इस प्लस की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन इधर जाएगी। इस प्लस की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन जाएगी इधर। इस माइनस की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन इधर जाएगी, इधर ही जाएगी माइनस की तरफ डायरेक्शन। देखो दोनों एरो एक ही तरफ जा रहे हैं बेटा, क्योंकि प्लस की वजह से यहां निकालेंगे डायरेक्शन इधर, माइनस की वजह से यहां निकालेंगे डायरेक्शन माइनस की तरफ। अगर मैंने एक एरो को ई मान लिया तो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे टू ई। ध्यान से, अगर मैंने एक एरो को ई लेट किया, क्योंकि जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की है बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां तक की है, चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो इसीलिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया सेम ई ई। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हो गया बेटा हमारे पास में टू ई। अब आइए आप यहां पर देखिए, आप हमने इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा दिया बेटा। देखो अब आप लोग, ये कैसा है पॉजिटिव। जब इस पॉजिटिव की वजह से यहां निकालेंगे तो डायरेक्शन इस तरफ, और जब इस नेगेटिव की वजह से यहां निकालेंगे तो डायरेक्शन इसी तरफ। दो एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक एरो हो गया ई तो दो एरो हो गए टू ई, यानी इस लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर जा रहा है टू ई।
इसकी वजह से यहां पर E, इसकी वजह से यहां पर E, दोनों की डायरेक्शन सेम, इसीलिए दोनों को ऐड कर दिया 2E। सिमिलरली इस लाइन में ये भी हो गया 2E। अब आप देखो बेटा, सेंटर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, ये हो गया 2E। मैंने इन दोनों को जोड़कर लिख दिया 2E, और मैंने इन दोनों को जोड़कर भी लिख दिया 2E, और इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये तो बहुत बेसिक से थ्योरम है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। यानी ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, ये वेक्टर कितना है 2E, और ये वेक्टर भी कितना है 2E, इनके बीच का एंगल कितना है 90, दोनों सेम और 90 डिग्री का एंगल, तो रिजल्टेंट जाएगा बीच में और रिजल्टेंट कहलाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा हमारा, वो इतना आया 2√2E। अब आप देखो E को आप क्या लिख पाओगे, 2√2। E का मतलब क्या है, खाली E का मतलब क्या है, खाली E का मतलब है बेटा चारों चार्जेस में से किसी भी एक की वजह से, इन चारों में से किसी भी एक चार्ज की वजह से सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो खाली E कहलाएगा। चारों में से किसी भी एक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E कहलाएगा। इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो ये लिखा जाएगा बेटा 1/4π ε0, ये हो गया Q। समझ आ रही बात, ये पूरी डिस्टेंस है A, ये पूरी डिस्टेंस B है A, ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास में आएगी √2A। अब √2A को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी A/√2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी A/√2, A/√2 का होल स्क्वायर, ये आंसर बनेगा बेटा हमारे पास में। अब जो फाइनल आंसर में ये K आपको दे रखा है ना, इस 1/4π ε0 को हम कई बार K लिख देते हैं, तो उन्होंने K के टर्म में दे रखा है आपको आंसर। कई बार हम 1/4π ε0 को K लिख देते हैं बेटा, तो उन्होंने इसीलिए आपको K के टर्म में दे रखा है आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। पॉजिटिव की वजह से यहाँ निकालेंगे, डायरेक्शन इधर, नेगेटिव की वजह से हम यहाँ निकालेंगे, नेगेटिव की वजह से हम यहाँ निकालेंगे, डायरेक्शन इधर, दो डायरेक्शन इधर चली गई तो ये हो गया 2E। पॉजिटिव की वजह से यहाँ निकालेंगे, डायरेक्शन इधर, नेगेटिव की वजह से यहाँ निकालेंगे, डायरेक्शन इधर, दो इधर चले गए 2E, दो इधर जा रहे हैं 2E और दो इधर जा रहे हैं 2E, और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। रिजल्टेंट गया इनके बीच में और रिजल्टेंट होगा अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 2E। याद करिए मैंने कितनी बार आपको बताया, अगर दो सेम वेक्टर हैं और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये है। E क्या है, E E है चारों कॉर्नर में से किसी भी एक कॉर्नर की वजह से यहाँ सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो हमारा E कहलाएगा बेटा। तो E की वैल्यू हो गई 1/4π ε0, चार्ज हो गया Q, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई A/√2 का होल स्क्वायर। हम 1/4π ε0 को कभी कभी K लिख देते हैं, इसीलिए उन्होंने आंसर K के टर्म में दिया है। ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और स्क्वायर के सेंटर पर हम कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे बेटा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई हो बात और आप लोगों ने नोट कर लिया हो, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे और कंपटीशन एग्जाम में भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। चलिए
देखिए बेटा, ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार प्रॉब्लम हम पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन अपने आप से बना देंगे हम लोग। चलिए पढ़िए। प्रॉब्लम क्या है? ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, द राइट एंगल बीइंग एट बी, यहाँ बी पर है राइट एंगल, चार्जेस ऑफ प्लस टू क्यू प्लस फोर क्यू माइनस के टू क्यू आर फिक्स्ड एट द वर्टाइसेस ए बी सी रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट बी ऑन द साइड ए से। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा यहाँ इस पॉइंट पर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कितना होगा। ठीक है, चलो भैया देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आप ये देखो कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पी वाले पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पी के आसपास कितने चार्जेस रखे हैं, पी के इधर उधर पी के आसपास कितने चार्जेस रखे हैं। भाई पी के पास में एक चार्ज तो ये रखा है यहाँ पर, एक चार्ज ये रखा है यहाँ पर, और एक चार्ज ये रखा है यहाँ पर। चलो भैया देखते हैं कि कैसे आंसर निकालेंगे। ये पूरी साइड है अपने पास में ए, ये पूरी साइड है अपने पास में ए, और ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये पूरी साइड निकल जाएगी अंडर रूट टू ए, और उसे दो से डिवाइड करेंगे तो ये साइड यहाँ से यहाँ तक की निकल जाएगी ए बाय रूट टू, और ये भी निकल जाएगी ए बाय रूट टू। ये साइड भी निकल गई हमारी ए बाय रूट टू, और ये साइड भी निकल गई ए बाय रूट टू। यानी अब आप लोगों को आगे से ध्यान रखना है बेटा, ये पूरी साइड ए, ये पूरी साइड ए, ये 90 डिग्री, तो ये हो गई अंडर रूट टू ए। आधी डिस्टेंस चाहिए तो अंडर रूट टू ए को टू से डिवाइड करेंगे तो आधी डिस्टेंस निकल जाएगी। चल इस प्लस की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायरेक्शन इधर, इस प्लस की वजह से यहां निकाला डायरेक्शन इधर, इस माइनस की वजह से यहां निकाला डायरेक्शन इधर, इसे भी ई कहा और इसे भी ई कहा, दोनों को सेम कहा। क्यों कहा दोनों को सेम? अब आप जरा समझिए कि दोनों को हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहा है। भाई यहां चार्ज कितना है 2q, यहां कितना है 2q, चार्जेस सेम, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की है बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां तक की है, यानी चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इसीलिए हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ई और ई कहा, पॉजिटिव की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव की तरफ, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्योंकि चार्जेस सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। अब यहां देखिए, ये चार्ज है बेटा प्लस के 4q, इस बार चार्ज अलग है। जब इस प्लस की वजह से, पहले इन दोनों को ज्वाइन करा दो, जब इस प्लस की वजह से, ये है प्लस के 4q, जब इस प्लस 4q की वजह से यहां निकालेंगे तो ये आएगा इधर, हमने इसे नाम दिया बेटा ई डैश, हमने इसे नाम दिया ई डैश। इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पर निकालेंगे डायरेक्शन इधर बाहर जाती हुई, ये हो गया ई डैश। इसे डिफरेंट क्यों कहा? क्योंकि चार्ज अलग है इस बार। तो अब आप देखो बेटा, इन दोनों के बीच बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये ई डैश, ई और ई हो गया हमारे पास में 2e, ये 2e और ये ई डैश, और एंगल है 90 डिग्री। रिजल्टेंट जाएगा बीच में, रिजल्टेंट हमारा जाएगा बेटा बीच में, और रिजल्टेंट की वैल्यू होगी अपने पास में, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2e का होल स्क्वायर प्लस ई डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब वो वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा सकते कि दो सेम वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बनेगा तो रिजल्टेंट अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर होगा, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग के बीच में 90 डिग्री बनता है तो ये लगाते हैं हम तरीका, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ये कंडीशन बन गई। अब ई को देखो हम क्या लिख सकते हैं बेटा,
पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसे, रिजल्टेंट बनेगा हमारे पास में 4e² + e²। देखो e को हम क्या लिख सकते हैं, e को हम लिख सकते हैं 1/4πε₀, चार्ज है 2q और डिस्टेंस है a/√2 का होल स्क्वायर। 1/4πε₀, चार्ज है 2q और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है a/√2 का होल स्क्वायर। ये हो गई e की वैल्यू। इसकी वैल्यू यहां से उठाकर यहां रखेंगे। अब e डैश की वैल्यू देखते हैं कितनी होगी। e डैश होगा 1/4πε₀। e डैश किसकी वजह से है, इसकी वजह से है। चार्ज कितना है 4q, डिस्टेंस देखो कितनी होगी बेटा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास में, हमारे पास में ये डिस्टेंस भी a/√2 निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, आधा एंगल हो गया 45 डिग्री का, और tan 45 होता है 1, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही बेस होगा। अगर ये एंगल 45 है और ये भी एंगल 45 है हमारे पास में, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 45 है और ये भी 45 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। ये साइड है a/√2 तो ये वाली साइड भी होगी a/√2। तो e डैश की वैल्यू निकल जाएगी बेटा हमारे पास में, ये हो गई e की वैल्यू और ये हो गई e डैश की वैल्यू। अब आपको इन दोनों की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट करना पड़ेगा अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है तो। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेटा। इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, डायरेक्शन इधर। इस नेगेटिव की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, डायरेक्शन इधर। दो डायरेक्शन इधर चली गई तो दोनों को जोड़ दिया हमने, ये हो गया 2e। अच्छा, दोनों की वैल्यू को हमने सेम माना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम माना है। क्यों सेम माना है? क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है और दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड माना है हम लोगों ने सेम। तो ये हो गया 2e। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऊपर क्योंकि पॉजिटिव है, ये हो गया ई डैश। इनके बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, रिजल्टेंट जाएगा बीच में। जब दो डिफरेंट वेक्टर होते हैं और उनके बीच में सेम वेक्टर होते हैं तो √2e वाला कॉन्सेप्ट लगता, और अगर डिफरेंट वेक्टर है तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका है ये। यहाँ e की वैल्यू है बेटा हमारे पास में इतनी और e डैश की वैल्यू है इतनी। दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप से रिपीट आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे बेटा। एक बार मेरे बताने से कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर नहीं होगा, जैसे जैसे आप रिपीट करते जाएंगे, अपने आप डायग्राम बनाते जाएंगे, अपने आप रिजल्टेंट निकालते जाएंगे, वैसे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, कर लीजिए फटाफट ज़रा जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे हम लोगों को प्रॉब्लम बनानी है। अब ये जो आंसर मैं आप लोगों को k दे रखा है ना बेटा, इस k का मतलब 1/4πε₀ से है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस k का जो मतलब है वो 1/4πε₀ से है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने जस्ट अभी सॉल्व की हैं इनका कुछ ना कुछ तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, कुछ आइडिया आप लोगों को लगा होगा कि भाई किस तरीके से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे हमें कंडीशन बनानी है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक फाइनल क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आप लोगों को और उसके बाद में फिर हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। देखिए, हमें गिवन दिया गया है एक ट्रायंगल,
हमें एक ट्राइंगल गिवन दिया गया है बेटा, यहाँ पर इसका चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज है माइनस क्यू। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना होगा, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना होगा। ये डिस्टेंस है ए बाय टू, ये डिस्टेंस भी है ए बाय टू, ये ए है और ये ए है। ये दे रखा है बेटा हम लोगों को कि इस पॉइंट पर बताइए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का सवाल कई बार पूछ भी लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप यहाँ देखें कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बेटा आप ये देखो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके चारों तरफ कितने चार्जेस रखे हैं। एक चार्ज तो ये रखा है प्लस क्यू, एक चार्ज ये रखा है माइनस क्यू। जब इस प्लस क्यू की वजह से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, प्लस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायरेक्शन इधर, माइनस की वजह से यहाँ निकालेंगे डायरेक्शन इधर, प्लस की वजह से यहाँ निकाली डायरेक्शन इधर, माइनस की वजह से यहाँ निकाली इसकी भी डायरेक्शन इधर, दो डायरेक्शन इधर चली गई। अच्छा, इसके बाद आप देखो ये चार्ज कितना है क्यू, ये चार्ज कितना है क्यू, ये डिस्टेंस कितनी है ए बाय टू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ए बाय टू। तो हमने दोनों को बोल दिया सेम, ये भी हो गया ई और ये भी हो गया ई। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये हो गया हमारे पास में टू ई। समझ आ रही बात, यानी इस पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2E और वो इस डायरेक्शन में होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखो एक चार्ज हमारे पास में अभी भी बचा हुआ है, ये कितना है प्लस Q। जब इस प्लस Q की वजह से यहाँ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में E डैश। E डैश क्यों आती है, क्योंकि इस बार चार्ज तो इस बार भी सेम है लेकिन ये डिस्टेंस सेम नहीं है, ये डिस्टेंस कुछ और होगी इस बार, ये डिस्टेंस कुछ और होगी। और जब हम इस डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो ये इतनी निकल कर आएगी पाइथागोरस थ्योरम से बेटा हमारे पास में। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हैं इस डायरेक्शन में जिनकी वैल्यू है 2E, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ इसकी वैल्यू है E डैश और इनके बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, रिजल्टेंट जाएगा बीच में, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा हमारे पास में, क्योंकि दोनों अलग अलग है, 2E का होल स्क्वायर प्लस E डैश का होल स्क्वायर। E को हम क्या लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं 1/4πε0। चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस कितनी है a बाय टू का होल स्क्वायर। e डैश को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, e डैश को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 चार्ज q, डिस्टेंस है 3a/2 का होल स्क्वायर। ये हमारी e की वैल्यू है इसकी या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारी e डैश है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों की वैल्यू को उठाकर यहां पुट करेंगे तब जाकर कहीं हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा बेटा। इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे, ऐसे हम बनाएंगे क्वेश्चन को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात, कोई प्रॉब्लम यहां तक ना हो। इस तरीके से हमें अपना कंसेप्ट सॉल्व करना है बेटा। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 थी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और इस प्रॉब्लम के साथ ये समझिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी कॉमन कॉमन से क्वेश्चंस हैं वो सब हमारे हो चुके हैं। सारी बातें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉमन कॉमन क्वेश्चंस की आप लोगों को बता दी है। कुछ बहुत जो अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वो अभी हमारे पास में बची हुई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया। अब मैं बढ़ रहा हूँ बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक का नाम है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इस टॉपिक का नाम है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बहुत सारे नाम हैं इसके, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन,
या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए बेटा। हेडिंग है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दूसरा नाम है बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरा नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती क्या है। पहले आप समझ लीजिएगा, बाद में अपनी कॉपी में आप लिखिएगा। देखो बेटा, हम क्या कहते हैं कि मान लो कि हमारे पास में एक चार्ज है प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, अपने चारों तरफ एक रीजन बना लेगा, अपने चारों तरफ एक स्पेस बना लेगा, जिसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता क्या है बेटा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, चार्ज के अंदर से इमेजिनरी लाइन बाहर निकलती है, कुछ लाइंस बाहर निकलती हैं चार्ज के अंदर से। इन इमेजिनरी लाइंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो हम कुछ ऐसे भी डिफाइन करेंगे कि चार्ज के अंदर से निकलने वाली लाइंस जितने स्पेस में फैल जाएंगी, जितने स्पेस में फैल जाएंगी, जहां तक वो फैल जाएंगी, जहां तक वो पहुंच जाएंगी, वहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां वो नहीं पहुंच पाएंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि चार्ज के अंदर से इमेजिनरी लाइन बाहर निकलती है बेटा। इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या हो गया कि ये लाइंस रियल में हमें दिखाई नहीं देती है, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा हो रहा होगा या ऐसा हो सकता है, हम कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि चार्ज के अंदर से कुछ लाइंस बाहर निकलती हैं, ये लाइंस चार्ज के अंदर से बाहर निकलकर जितने हिस्से में फैल जाएंगी वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो जहां ये लाइनें नहीं पहुंच पाएंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई यहाँ इतने हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आप एकदम से उसे ये कहोगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो चार्ज के अंदर से इमेजिनरी लाइन निकलती है वो यहाँ नहीं पहुँच पा रही होंगी, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और अगर कोई कहता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कहोगे कि भाई इसका मतलब यह है कि जो चार्ज के अंदर से लाइन निकलती है वो यहाँ तक पहुँच पा रही है, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ तक लाइन पहुँच पा रही है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहाँ तक लाइन नहीं पहुँच पा रही है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से बेटा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आप इस डायग्राम को देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज के अंदर से लाइंस निकलकर बाहर की तरफ चली गई बाहर की तरफ, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ इस पूरे हिस्से में, यहाँ पूरे हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहाँ पूरे हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है क्योंकि यहाँ लाइंस मौजूद है बेटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसे ही आप देखो, ये लाइंस नेगेटिव पर आती हैं अंदर की तरफ, पॉजिटिव पर जाती हैं बाहर की तरफ, और नेगेटिव पर आती हैं अंदर की तरफ। पॉजिटिव से निकल के तो बाहर की तरफ जाएंगी, और नेगेटिव में ये लाइंस अंदर की तरफ आएंगी। यहाँ भी कहानी वही है, जहाँ ये लाइंस होंगी, देखो यहाँ जहाँ मैं ये डॉट बना रहा हूँ वहाँ वहाँ लाइंस मौजूद है, इसका मतलब है कि यहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और जहाँ ये लाइंस नहीं होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा बेटा। समझ में आ रही बात? कभी ये कहो कि सर यहाँ दो लाइन के बीच में तो कोई लाइन है ही नहीं, फिर आप कैसे लिख रहे हो? ये यहाँ सब जगह लाइंस मौजूद है, यहाँ सब जगह लाइंस मौजूद है, तो यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है बेटा। पॉजिटिव से जाती हैं ये लाइंस बाहर की तरफ, और नेगेटिव से जाती हैं ये लाइंस अंदर की तरफ। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर एक कॉमन डेफिनेशन आप लोगों को मिल गई, दोज लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप अपनी कॉपी में दो लाइन के अंदर फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन ये है,
those lines which represent the direction of electric field, the direction of electric field called electric field lines or electric force line, called electric field lines or electric field called electric force lines or electric field lines. ठीक है, those imaginary lines which represent the direction of electric field called electric field lines or electric force lines. उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे. डेफिनेशन आप लोगों ने लिख दी है. डेफिनेशन लिखने के बाद में पॉइंट नंबर वन आप बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और ये लाइंस जाती हैं पॉजिटिव से बाहर की तरफ. दूसरा पॉइंट नेगेटिव चार्ज, और ये लाइंस जाती हैं नेगेटिव से अंदर की तरफ. ठीक है, जल्दी से इन दोनों को अपनी कॉपी में बनाइए बेटा, जल्दी से बनाइए फटाफट. ओके, इसके बाद ये दोनों डायग्राम आप लोग बनाएंगे बेटा. ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव, ये भी है दूसरे वाला पॉजिटिव, ये दूसरे वाला भी पॉजिटिव है. हल्की सी करेक्शन कर लेना, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव. लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं ऐसे. ये लाइंस पॉजिटिव से निकलकर ऐसे नेगेटिव की तरफ जाएंगी. इन लाइंस की टेंडेंसी ये होती है बेटा कि ये पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाएंगी कुछ ऐसे. ठीक है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेंगी और नेगेटिव में अंदर की तरफ आएंगी ये लाइंस. ठीक है, नेगेटिव में ये अंदर की तरफ आएंगी लाइंस. पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाती हैं. ये एक छोटा सा डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा. अभी तो मैंने इनके बारे में हल्की फुल्की बात आप लोगों को बताई है कि भाई जहाँ ये लाइनें होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहाँ लाइनें नहीं होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. कल की क्लास में इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं बेटा, और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लास को लेकर चल रहे हैं. बस आप लोगों का काम यह है कि जो भी आप लोगों को डाउट आ रहे हैं वो डाउट ईमानदारी से अपने क्लियर करिए. मतलब ऐसे नहीं कि भाई फॉर्मेलिटी पूरा कर ली, हमने यहाँ से काम दिया, आपने अपनी क्लास पर कॉपी में होमवर्क कॉपी में लिख दिया, बात ख़त्म हो गई. नहीं बेटा, उन चीज़ों को सीखना है अच्छे तरीके से. उन चीज़ों को सीखिए, कहीं कोई परेशानी आ रही है तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए. ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हमारा यही ख़त्म हो गया, मतलब आज का काम यही ख़त्म हो गया. बाकी काम हम कल की क्लास में करेंगे. अब आते हैं हम कूलम्स लॉ पर. वो जो कूलम्स लॉ की हम प्रॉब्लम बेटा डेली बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं ना, उन पर हम लोग आ जाते हैं. ये एक क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था आप लोगों से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया हो. ओके, आज हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है. देखो हम किस तरीके से इसे सॉल्व करने वाले हैं. बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है और दो तीन क्वेश्चन में काम ख़त्म हो जाएगा. अब दो तीन क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ बचे हैं हमारे, उन्हें हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. देखिए क्या प्रॉब्लम है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन्स कैरिंग अ इक्वल चार्जेस दिस when these are separated by a distance of 5 angstrom. भाई आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हो बेटा कि फोर्स की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 × Q2/r². हमने फोर्स की जगह रख दिया है 3.7
इंटू 10^-9, 1/4πε0 को हमने लिख दिया 9×10^9। उसने कहा कि दोनों चार्ज सेम है, अगर दोनों चार्ज सेम है तो यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू, ये हो गया क्यू स्क्वायर अपने पास में। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 5×10^-10^2। लो बेटा हमने सारी वैल्यूज़ को रख दिया, ये हो गया हमारे पास में फोर्स, ये हो गया 1/4πε0, ये हो गया चार्ज, ये हो गया डिस्टेंस। हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और Q की वैल्यू निकाल कर उस Q को NE के इक्वल रख देंगे, NE के जो भी Q की वैल्यू यहाँ से आएगी ना बेटा, यहाँ से उस Q को निकाल कर N के इक्वल रख देंगे, NE के, और N आपका निकल जाएगा। N का मतलब है नंबर ऑफ मिसिंग आयन, कितने आयन मिस हैं उसके अंदर, N का मतलब है कि कितने आयन मिस हैं या कितने आयन एक्स्ट्रा हैं, यहाँ से N आपका निकल जाएगा तो प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो आसान ही क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से आप लोग कर लेंगे। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाया, फोर्स की वैल्यू ये है, Q1 की जगह भी चार्ज, Q2 की जगह भी चार्ज, नीचे हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, क्यू निकाल दिया हम लोगों ने, और क्यू निकाल कर NE के इक्वल रख दिया, तो N निकल गया हमारा Q/E, और N का मतलब है नंबर ऑफ मिसिंग आयन, कितने आयन मिस हैं यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हम लोग निकालेंगे बेटा। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन, मैंने हल्के सी हिंट आप लोगों को दे दी है। अब इतने क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ कि उम्मीद है कि इस हिंट को लेकर आप आराम से क्वेश्चन बना दोगे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने आयन मिस है। नंबर ऑफ मिसिंग आयन के बारे में आप लोगों को यहां से पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में बेटा वो ये है। मैं चाहूंगा कि इस प्रॉब्लम को आप लोग अपने आप ही एक बार सॉल्व करें, मैं हल्की सी हिंट आप लोगों को दे रहा हूं, ये आप लोगों का डेली बेसिस का होमवर्क है बेटा कूलम्स लॉ के ऊपर, आप ट्राई करेंगे इस प्रॉब्लम को, क्योंकि देखो कोई चीज़ जब हमने पढ़ ली है ना, जब हमने वो चीज़ पढ़ ली है तो हम इतने कैपेबल हैं कि उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बस ज़रूरत है सही डायरेक्शन में दिमाग लगाने की और सही डायरेक्शन में दिमाग लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास में ज़रा समझिए, 3 charges -Q1+Q2 and -Q3 आर प्लेस्ड एज शो इन द फिगर, द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस के Q1, ये माइनस Q1 है बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जो टोटल फोर्स काम करेगा ना उसका एक्स कॉम्पोनेंट हमें बताना है कितना होगा, यहाँ जो टोटल फोर्स काम करेगा उसका एक्स कॉम्पोनेंट बताना है कितना होगा, यहाँ जो टोटल फोर्स काम करेगा। तो अभी आप ये देखो, ये क्या है माइनस के Q3 और ये क्या है माइनस के Q1, ये माइनस के Q3 इस माइनस के Q1 को रिपेल करेगा इस तरफ, और ये प्लस Q2 इस माइनस Q1 को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। इधर हो गया एक फोर्स F1, इधर हो गया दूसरा फोर्स F2, बात समझ में आ रही है। अब आप उसके बाद देखें बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हो गया थीटा, ये F2 है ये थीटा है, इस डायरेक्शन में जाएगा F2 cos थीटा, हमने कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, और इस डायरेक्शन में जाएगा F2 sin थीटा। इस डायरेक्शन में एक तो F1 जा रहा है, प्लस Q2 ने इस माइनस के Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो F1 इधर चला गया, इस माइनस के Q3 ने माइनस Q1 को इधर रिपेल किया, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, हमने कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, ये F2 ये थीटा तो ये F2 cos थीटा और ये F2 sin थीटा, जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा लगेगा, जिधर थीटा नहीं है उधर sin थीटा लगेगा। तो ये तो हो गया x कंपोनेंट और ये हो गया y कंपोनेंट, तो हम लिख सकते हैं बेटा कि x कंपोनेंट है हमारे पास में F1 प्लस F2 साइन थीटा, F1 प्लस F2 साइन थीटा। अब आप देखो कि F1 को हम क्या लिख सकते हैं, F1
एफ वन है इन दोनों के बीच काम करने वाला फोर्स, तो एफ वन को हम लिखेंगे 1/4πε0। ये क्यू टू है, ये क्यू वन है, क्यू वन क्यू टू, और इनके बीच का गैप है बी स्क्वायर। एफ टू कितना है भाई हमारे पास में, एफ टू है इसके और इसके बीच में काम करने वाला फोर्स, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है ए, तो एफ टू को हम लिखेंगे 1/4πε0 क्यू वन क्यू थ्री अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया साइन थीटा। लो भैया ये हमारी एक्स कॉम्पोनेंट की वैल्यू होगी बेटा, इतनी होगी हमारी एक्स कॉम्पोनेंट की वैल्यू। इस Q2 ने Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, F1 फोर्स लगा, इसने इसे रिपेल किया तो F2 फोर्स लगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, कॉम्पोनेंट ब्रेक कर दिया, ये दोनों एक डायरेक्शन में और ये अकेला एक डायरेक्शन में, ये तो हो गया Y कॉम्पोनेंट और ये हो गया X कॉम्पोनेंट, ये हमने वैल्यूज रख दी, आंसर आ गया। उम्मीद है कि समझ आई होगी बात। तो बेटा आज की क्लास में हमने थोड़ी सी बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस के ऊपर, फिर मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती हैं उन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस बोलते हैं, और दो क्वेश्चन हमने कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो एडिशनल है, अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपके नीट और मेंस के लिए तो मैं आपको करवा चुका हूँ, उससे ज़्यादा करने की कोई आप लोगों को आवश्यकता है नहीं, ज़रूरत नहीं है, उतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम इलेक्ट्रिक लाइंस का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे बेटा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।